हेलो भाई, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान भाई आनंद। तो मेरे उत्तराखंड के प्यारे साथियों, अपने उत्तराखंड में यूके 3+3 चाइना की वीडियो बीपीडीओ भर्ती में पेपर लीक के मामले में एक के बाद एक घोटाले उजागर एसटीएफ के द्वारा किए जा रहे हैं। 3 दिन में 3 बड़े घोटाले इसमें उजागर हो चुके हैं। पहला दिन 37 लाख बरामद, 4 रुपये गिरफ्तार। दूसरे दिन व्हाट्सअप जो स्क्रीन शॉट वायरल हुई थी उसको रिकवर एंड व्हाट्सअप चैट को रिकवर किया गया। तीसरा दिन भी सफलतापूर्वक रहा एसटीएफ अधिकारियों ने, जो सोमवार को ऐलान किया हुआ था कि ऐसे ही चयनित अभ्यर्थी 916 में से ऐसे ही चयनित अभ्यर्थी जिनके द्वारा इन गिरोह से संपर्क करके पेपर लीक में इनसे संपर्क किया गया और पेपर में इनसे मदद ली गई, उनको एक ऐलान किया गया कि ऐसे अभ्यर्थी खुद सामने आ जाए और हमें बता दें तो हम उनको कानूनी रूप से जो भी मदद हो सकती है वो करेंगे। तो इसी ऐलान का असर हुआ साथियों, ऐसे चयनित अभ्यर्थी भी अब सामने निकल के आ रहे हैं जिन्होंने इस नकल गिरोह से संपर्क किया था और वो अभी नजरों में नहीं है। तो इसी ऐलान का असर हुआ, तो हमारे एसपी एसटीएफ के अजय विक्रम सिंह ने सोमवार को अपील की थी, यदि कोई अभ्यर्थी सामने आना चाहता है तो उसे कानूनी रूप से जो भी मदद की जाएगी वो की जाएगी। तो सूत्रों के अनुसार खबर आ रही है कि साथियों एसटीएफ के संपर्क में अभी अभ्यर्थी कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोगों को एसटीएफ कार्यालय के बाहर भी देखा गया। तो अभ्यर्थियों से पूछा है कि उन्हें कानूनी रूप से जो भी मदद कैसे की जा सकती है, तो उन्होंने जो किया वो स्वीकार करना होगा और माना जा रहा है कि इससे पूरे केस में एक और यहाँ पे बल मिलेगा क्योंकि एसटीएफ के अधिकारियों के द्वारा। तो शक के दायरे में हमारा प्रिंटिंग प्रेस भी आ चुका है, इसमें लखनऊ में यह प्रिंटिंग प्रेस था। तो मेन आरोपी मनोज जोशी है, यहाँ पे काम कर चुका है। तो प्रिंटिंग प्रेस जहाँ पे हमारे पेपर छपे हुए थे वह भी शक के दायरे में है। 1-2 दिन में यहाँ पे एक और बड़ा खुलासा होने वाला है क्योंकि 2 की जो रिमांड मांगी हुई थी वह कबूल हो चुके हैं। अब इनसे एसटीएफ के अधिकारी पूछताछ करेंगे, मनोज जोशी एंड एक और। इसमें हमारे धामी जी का रुख भी अच्छा है साथियों, उनके द्वारा लगातार बताया जा रहा है कि और अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि इसमें कितनी भी बड़ी मछली हो, मगरमच्छ हो या घड़ियाल हो, मछली सहित इस घपले में घड़ियाल भी नपंगे, यह उनका लगातार कहना है। तो इस भर्ती में बड़े घोटाला उजागर हो सकता है, पेपर लीक मामले में बड़े गिरोह का हाथ हो सकता है क्योंकि कंप्यूटर प्रोग्राम जिसने 80 प्रश्न बताए हुए थे, बताया जा रहा है कि कंप्यूटर प्रोग्रामर का पेपर से कोई भी लेना देना नहीं होता है क्योंकि उसको वो भारी काम देखता है। तो ये पेपर आया कहाँ से और कौन अधिकारी इसमें लिप्त है, यह भी जल्द इनके द्वारा खुलासा होना है। बड़ी मछली हाथ लगने वाली है। तो आउटसोर्स कंपनी है साथियों आरएस टेक्नो सॉल्यूशन इंडिया, इसको अभी आंतरिक जिम्मेदारी से यूके 3+3 चयन आयोग ने हटा दिया है। यह फिलहाल इस पर बाहरी काम ही देखेगी आयोग का कहना है क्योंकि आयोग के पास अभी लिखित यहाँ पे नहीं गया कि इस कंपनी के द्वारा ये किया गया। तो आयोग ने शक को देखते हुए इसको बाहरी काम दे दिया, जो अंदरूनी काम है उससे इसको हटा दिया है। 31 जुलाई को हमारी जो 272 पदों पर दूरसंचार हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम होना है उसमें इस कंपनी का कोई भी रोल नहीं होगा। तो जो भी अभ्यर्थी हमारे 31 जुलाई को दूरसंचार मुख्य आरक्षी का पेपर दे रहे हैं उनको ऐसे किसी भी भ्रम में नहीं रहना है कि यह पेपर बाद में हुआ है वो हो जाएगा करके, क्योंकि जो कंपनी है इसको बाहरी काम दे दिए हैं। अंदरूनी जो पेपर वाला मामला है इसको इससे हटा दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और अभ्यर्थियों के लिए आयोग ने बताया कि आयोग के पास तमाम ऐसी आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं जिनसे अलग अलग काम लिया जा रहा है। तो उनने अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया है कि वह आगामी परीक्षाओं को लेकर बेफिक्र रहें। तो एक जल्दी इसमें एक बड़ा खुलासा होने जा रहा है। एक और भर्ती में इनके द्वारा जो घोटाला हुआ था उसकी बारे में भी इनके द्वारा खुलासा किया गया। जब शुरुआती जांच में हमारे एसटीएफ अधिकारियों ने जो 4 आरोपी गिरफ्तार हुए इनके इनसे पूछा गया कि आपने अभी तक कहीं और यह अपनाया है यह हथकंडा, तो उनके द्वारा बताया गया कि नकल गिरोह के सदस्यों ने शुरुआती पूछताछ में स्नातक स्तरीय भर्ती से अलग सचिवालय से जुड़ी भर्ती पर भी धांधली की हुई है। तो एसटीएफ अधिकारी उस ओर भी काम कर रहे हैं। तो किस भर्ती में यह धांधली की हुई है इनके द्वारा, वह कौन सी सचिवालय की भर्ती है, इस पर भी जल्द खुलासा होना है। तो यूके 3+3 चयनायोग द्वारा आयोजित इस भर्ती में और अन्य भर्तियों में क्या क्या खुलासा होने वाला है, जल्द इसका एक बड़ी मछली हाथ हमारी लगने वाली है। एसटीएफ अधिकारी इसको जल्द इसमें एक जो भी अधिकारी लिप्त हैं या जो भी हैं इसमें लिप्त उसको उजागर करने वाली। हमारी ओर से इसकी आपको पल पल की अपडेट दी जाएगी। नए हो चैनल पर सब्सक्राइब एंड बगल में बेल आइकन ऑन
प्रेस करिएगा ताकि आप लोगों को हर चीज़ से अवगत हो सको। तो आप लोगों को आगामी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं साथियों। आप लोग ऐसे भ्रमित ना रहें, काफ़ी युवा हमारे हतोत्साहत है कि हम तैयारी तो कर रहे हैं, अब आने वाले एग्जाम में कहीं ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा। आपको साथियों हतोत्साह होने की ज़रूरत नहीं है, तैयारी को आपको बनाए रखना है, ऐसा नहीं होगा। ईश्वर से हम कामना करते हैं और आने वाली परीक्षा में ऐसा नहीं होगा। यदि ये बड़ी मछलियाँ हमारी हाथ लग जाती हैं और जो ये बिल आने वाला है हमारा आयोग का वो पास हो जाता है तो एक अच्छी मदद यहाँ पे मिल सकती है। चलिए साथियों आज ऐसे विदा लेता हूँ आपके समक्ष, तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।